सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ऐसी जगह पर लेकर के आया है जो अपने आप में बड़ी अद्भुत जगह है। कहते हैं कि समस्त ब्रजमंडल में 12 वन और 12 उपवन यानी कि टोटल 24 वनों का वर्णन आता है, जिसमें से आज हम जिस स्थान पर आए हैं उस स्थान का नाम है कोलर वन। यहाँ भगवान की गौचारण भूमि है। भगवान यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। यहाँ भगवान की क्या लीला हुई है ये उस स्थान पर जाने के बाद पता चलेगा। तो आइए चलते हैं भगवान के उस लीला स्थान के दर्शन के लिए जो अपने आप में बड़ा अद्भुत स्थान है। तो आइए हमारे साथ उस स्थान की दिव्य यात्रा पर। और मैं एक बार आपको यहाँ का स्थान का अवलोकन करा देता हूँ, एक बार घुमा करके दिखाइए कितना बियाबान जंगल है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी आबादी के निशान दिखाई नहीं देते। बहुत ही सुंदर और अपने आप में बड़ा अद्भुत स्थान है। जैसा कि ब्रज महिमा परिवार ने आपसे वायदा कर रखा है कि ऐसे दिव्य स्थान जो भगवान के लीला स्थान आज तक छुपे हुए हैं उन स्थानों के दर्शन हम आपको कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। तो आइए उसी श्रृंखला में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस स्थान पर चलते हैं जहाँ भगवान की अद्भुत लीला हुई है। आइए हमारे साथ। श्री राधे श्री राधे। बड़ा ही पथरीला रास्ता है और ठीक से कोई मार्ग भी नहीं है वहां तक पहुंचने का, जैसा कि आप देख रहे हैं। कटीली झाड़ियों के बीच से यह रास्ता बहुत ही दुर्गम स्थान है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं भगवान के ऐसे लीला स्थान का। और आप देख रहे हैं कटीले रास्तों के बीच में, कटीली झाड़ियों के बीच से रास्ता है। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, पगडंडियों के माध्यम से रास्ता है जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही छोटा सा रास्ता है और अपने आप में बड़ा दुर्गम स्थान है ये। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं उस स्थान पर। आप देख रहे हैं कैसा दुर्गम स्थान है ये। यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी पगडंडियों के माध्यम से ये रास्ता बनाया हुआ है जहाँ हम चल रहे हैं। स्थान ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ किसी भी जहरीले जीव से हमारी मुलाकात कभी भी हो सकती है। बड़ी सावधानी के साथ चलना होगा ऐसे स्थानों की यात्रा पर। यहाँ छोटी छोटी पगडंडियों के माध्यम से रास्ता बनाया हुआ है। कोई प्रॉपर रास्ते की व्यवस्था यहाँ नहीं है। और अब हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ वह लीला स्थान विराजमान है। यहाँ हमें पूज्य महाराज श्री मिले हैं, उन्हीं के मुख से हम जानते हैं इस स्थान के विषय में। एक बार दूर तक दिखा दीजिए कैसा दुर्गम स्थान है। यहाँ दूर दूर तक आबादी के कोई भी निशान दिखाई नहीं देते। अपने आप में बड़ा अद्भुत स्थान। और यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ हमारे ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी की तप स्थली के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। और इसका प्राचीन जो नाम है वो ललता कुंज है। इस स्थान को ललता कुंज कहा जाता है। और जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप पत्थरों की जो बाढ़ देख रहे हैं, यहाँ से आगे ये राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। हम जहाँ खड़े हैं वो ब्रज में खड़े हैं और ये राजस्थान की सीमा शुरू होती है। ये बॉर्डर बनाया हुआ है यहाँ पत्थरों के माध्यम से। ऐसा दुर्गम स्थान है जहाँ हमारे श्री नारायण भट्ट जी ने साक्षात यहाँ तपस्या की है। तो आइए जानते हैं उस लीला के विषय में, यहाँ क्या ठाकुर जी की लीला हुई है और कैसे वो अद्भुत चिन्ह आज भी इस पर्वत पर अंकित हैं। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास। तो आइए जानते हैं इस स्थान की लीला के विषय में पूज्य महाराज श्री से। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना नाम बताओ महाराज। मेरा नाम बालक गिरी। आप यहाँ कितने समय से निवास कर रहे हैं महाराज? मुझको तो ऊंचा गांव बचपन से ही है, मैं ऊंचा गांव ही रहता हूँ। अच्छा, आपकी जन्म स्थल ही ऊंचा गांव है।
तो महाराज यहाँ भगवान की जो लीला हुई है उसका आप वर्णन करें, यहाँ क्या लीला हुई है ठाकुर जी? ये कुछ नारायण भट्ट जी की किताब में लिखित में है, सभी देव स्थान है, गुप्त स्थान है जी महाराज। तो जब ठाकुर जी की इच्छा होती है जब ही दर्शन हो पाते हैं जी प्रभु। तो यहाँ से जब कृष्ण भगवान जब वहाँ से नंदगांव से गौ चराते चराते आते थे, अच्छा, तो वहाँ से जब सगरी गोपी इतने राजस्थान की सखी आ जाई, इतने ललिता जी आ जाई, इतने तोंग विद्या रंग देवी चंपकलत आठों सखी यहाँ उनका इंतजार करे भगवान के दर्शन के लिए। हाँ, कृष्ण भगवान नंदगांव से गौ चराते चराते आएंगे तो अपने अपने घर से वो अपने अपने घर से भोजन प्रसाद लेके आमित भगवान के लिए, भगवान के लिए। तो इनमें बैठ के ठाकुर जी को भोजन प्रसाद खिलाती थी। अच्छा, ये वही स्थान है, वही स्थान है ठाकुर जी ने प्रसाद पाया है गोपियों का, सब गोपियों का इसी जगह प्रसाद पाया। आठों सखी इस जगह आती थी, राधा रानी भी आती थी, तो इनमें भोजन प्रसाद उनको खिलाए। ये वही स्थान, वही स्थान है ये स्थान महाराज, कोई साधारण स्थान नहीं है, लगभग 5,500 साल पुराने स्थान है। जैसा कि आपको पता है कि ये भूमि भगवान की गौचारण भूमि रही है, और गोपियों के मन में जो भाव होता था नित्य ही श्याम सुंदर के दर्शन का होता था। तो यहीं जैसा कि आप मेरे पीछे दिख रहे हैं पर्वत के पीछे, ये सुनहरा गांव है, यहाँ हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी सुदेवी जी रहती हैं। वहाँ से सुदेवी जी आती थीं, ललिता जी ऊंचा गांव से आती थीं, आठों सखियाँ यहाँ आकर के और भगवान को पवाने के लिए अपने घर से भोग भी बना करके लाती थीं, और भगवान को यहाँ इंतजार किया करती थी इस स्थान पर बैठ करके कि कब ठाकुर जी यहाँ गैयाओं के साथ आएँ और यहाँ भगवान को जो है दर्शन का आनंद हमको प्राप्त हो, भगवान के दर्शन का हमें आनंद प्राप्त हो, और कैसे हम भगवान की जो प्रसाद घर से बना करके लाई हैं उस सेवा को हम करें। उसी सेवा को करने के लिए जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ कोई जंगल आदि है, यहाँ कोई बर्तन आदि की व्यवस्था तो थी नहीं, तो भगवान इन्हीं कटोरों के माध्यम से उन गोपियों का जो प्रसाद था उसको ग्रहण किया करते थे। ये वही दिव्य स्थान है, और साक्षात यहाँ ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी ने इस स्थान पर रह करके तप किया है। ये बड़ा दिव्य स्थान है महाराज, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। आइए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये वही दिव्य कटोरे हैं जहाँ हमारे श्याम सुंदर गोपियों के जो भेंट स्वरूप में जो प्रसाद घर से बना करके लाती थी वहाँ यहाँ बैठ करके भगवान उसका स्वाद लिया करते थे। ये वही स्थान है, देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी कटोरियाँ यहाँ बनी हुई हैं। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी कटोरे में भगवान दूध पिया करते थे। गोपियां जो अपने साथ में दूध और दही जो करके आती थी, माखन आदि, वो सब इन्हीं कटोरों के माध्यम से भगवान यहाँ भोग लगाया करते थे। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी दो कटोरे बने हुए हैं। ये आप हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत चिकने हैं, ये हाथ फिसलता है महाराज, इतने चिकने ये कटोरे हैं। भगवान इन्हीं कटोरों के माध्यम से यहाँ भोग लगाया करते थे, उन गोपियों के प्रेम का भोग जहाँ भगवान ने लगाया है, ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत स्थान है। और मैं आपसे एक बार निवेदन करूँगा कि आप इस स्थान पर नहीं पहुँच सकते, केवल वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ऐसे स्थानों के दर्शन आप कर सकते हैं, और मानसिक रूप से वही भाव अपने मन में रखें कि हम साक्षात वहाँ जाकर के यह दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आपको इन दर्शनों का वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा जो यहाँ आने के बाद प्राप्त होता है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे सुंदर स्थानों के दर्शन हमको कराए। श्री नारायण भट्ट जी की तपस्थली राजस्थान यूपी ये बॉर्डर है, ये गुप्त स्थान है, ये जब ठाकुर जी के गुप्त स्थान, तो बहुत समय की गुप्त चीज है, वो बहुत चीज ऐसी है गुप्त है। नारायण भट्ट जी की तपोस्थली और इस जगह को बोलते हैं ललिता कुंज, ललिता कुंज, ललिता कुंज। तो सब इस जगह पे सगरी गोपी ललिता कुंज में आती थी, कृष्ण भगवान का इंतजार करते थे, भगवान आ जाते थे मथुरा से भाते नंदगांव से, तो वहाँ ये गौ चढ़ती रहे में, तो वो सगरी गोपी उनसे यहाँ हंसी मजाक और खेलती रही जी। तो वो जगह है जी, ये राधे राधे। महाराज जी बहुत सुंदर जानकारी दी आपको, धन्यवाद, राधे राधे। जैसा कि पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि यह बहुत प्राचीन स्थान है, लगभग 5,500 साल पुराना यह स्थान है, जो अपने आप में आज भी इतिहास का गवाह बना हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ हमारे ठाकुर जी ने हमारी प्रियाजी के साथ में यहाँ जो लीला की हैं उसके अद्भुत आज तक साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं, जिसके दर्शन हम और आप आज प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। एक बार मैं इस स्थान के आपको पुनः दर्शन करा देता हूँ, ऊपर पहाड़ी से यह स्थान कैसा दिखाई देता है आप भी दर्शन कीजिए उस प्राकृतिक सौंदर्य के जो यहाँ साक्षात विराजमान है। बहुत ही अद्भुत
और बहुत ही शांति प्रिय यह स्थान है। यहाँ दूर दूर तक आबादी के कोई भी निशान हमको प्राप्त नहीं हुए। आज आपने भगवान की अद्भुत लीलाओं के दर्शन प्राप्त किए, उसी के साक्ष्य आज तक यहाँ ब्रजभूमि में अंकित हैं, जिसको कभी भी कोई भी आकर के उसके दर्शन कर सकता है। आज हमने आपको दर्शन कराए कूलर वन में भगवान की उस अद्भुत लीला के चिन्हों के, और यह हमारा आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवत लीलाओं के ऐसे स्थानों के जो छुपे हुए स्थान के दर्शन हैं वो आपको निरंतर ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।